बदल गया पाखी का अंदाज। हो गया ऐश्वर्या का मेकओवर। क्या ये हसीना बनेगी खतरों की खिलाड़ी? भाई खतरों का खेल खेलने की ऐश्वर्या तैयारी तो खूब कर रही हैं। तन और मन को फिट करने के साथ साथ ये अपने लुक्स पर भी खासा ध्यान दे रही हैं। भाई खतरों के खिलाड़ी की शूटिंग के दौरान तो सिर्फ झटके और डर के डोजेस ही मिलेंगे। ऐसे में ऐश्वर्या अपने आप को अभी से ही पैम्पर कर रही हैं और अपनी हैप्पी बैटरी को फुल चार्ज कर रही हैं, ताकि वहाँ ये गम में गुम ना हो। तभी तो आज ऐश्वर्या शर्मा सास बहू और बेटियां संग पहुँच गई हैं वेनिला स्पा में अपना मेकओवर करवाने, या यूं कह लो अपने पुराने लुक्स को वापस पाने, ताकि इनका हौसला बुलंद रहे। खतरों का खिलाड़ी सीजन 13 और एक और कंटेस्टेंट जो सबने मतलब सब जिसकी जो न्यूज़ जैसे ही बाहर आई वो सब लोग गुम हो गए उनकी ही न्यूज़ में, राइट? नहीं, शॉक हो गए, आई थिंक सभी लोग शॉक हो गए, क्योंकि गुम को छोड़ने की न्यूज़ भी थोड़ी सी शॉकिंग थी, बिकॉज किसी को पता नहीं था। आई वॉज द ओनली वन एंड नील ऑल्सो और फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स जिनको पता था कि मैं आई एम जस्ट क्विटिंग द शो एंड ऑल। एकदम से जब ये न्यूज़ आउट हुई तो एवरीवन लाइक, ओ ये क्या हो गया, छोड़ दिया, ऐसे कैसे हो गया। Then yes, and खतरो happened. Exit की news सुनके तो आपके fans बड़े disappoint हुए, लेकिन जब खतरों में entry की news आई, so happy, बहुत खुशी हुई उनको कि अरे वाह, चलो ऐश्वर्या कुछ नया करने वाली है, so we are so happy for her. So here I am preparing myself for खतरों के खिलाड़ी, changing my whole image now. कैसी चल रही पूरी तैयारी फिलहाल, जो है रूटीन अब क्या रहता है? यार इट्स वेरी टायरिंग, अभी ये जिम वर्कआउट, अपना स्विमिंग स्टार्ट कर दिया है मैंने, अभी मेरा शाम का किक बॉक्सिंग का ट्रेनिंग है, तो बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ और टाइम कम है, बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पहले जो है लोग जो है मतलब पाखी से मिले हैं, लेकिन अब जो है रियल ऐश्वर्या से मिलेंगे। मिले हैं ना यार पहले भी ऐश्वर्या से स्मार्ट जोड़ी में, लेकिन यहाँ पर जो है ऐश्वर्या का डिफरेंट रूप नजर आएंगे। हाँ वो तो है, वो पता नहीं, अब वैसे स्मार्ट जोड़ी में टास्क करके भी मैं थोड़ी सी अग्रेसिव हो जाती थी, अब पता नहीं खतरों में क्या होगा, मेरा पति नहीं रहेगा संभालने के लिए तो बस इसी चीज़ का डर है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज जो है हम खास वेनिला सैलून में है, और क्या क्या सोचा है करवाने के लिए, क्योंकि आप खतरों के लिए जा रही है। सो एक्चुअली द थिंग इज, जब गुम स्टार्ट हुआ था मेरे शॉर्ट हेयर थे इतने छोटे से, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते गए, मैंने फिर ट्रिमिंग वगैरह करा के इतने छोटे अभी रिसेंटली किया था, बट नाउ आई एम थिंकिंग कि मैं वापस से अपना पहले वाला लुक करूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, शॉर्ट हेयर वाला, कर्ली हेयर एंड शॉर्ट हेयर, वापस से चेंज माई इमेज। तो यहाँ पर मल्लिका है, मल्लिका क्या सजेशन देंगी ऐश्वर्या को? इन्होंने गुम को भी छोड़ा है, बाल को भी छोड़ना है, इन्होंने सब कुछ छोड़ने का डिसीजन ले ही लिया है, देखो तो हम कौन होते हैं स्टॉप करने वाले? कुछ मैंने ना अपने हर इंटरव्यू में बोलती, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो चलो अभी तो बस शुरुआत है, देखते क्या इनको मिलेगा, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एंड या वी विल डू अ नाइस हेयर स्पा फॉलोड बाय अ नाइस हेयर कट फॉर हर। कूल, चलो आई एम रेडी, एक्साइटेड। भाई आज तो ऐश्वर्या डिसाइड करके आई हैं अपने घने मुलायम काले करली बालों को छोटा करवाने की। असल में ऐश्वर्या नहीं चाहती हैं कि बड़े बालों की वजह से इनके खतरों के खिलाड़ी के टास्क में कोई भी रुकावट आए, इसीलिए आज वो ना सिर्फ अपने बालों को कटवाएं, इसीलिए आज वो ना सिर्फ अपने बालों को छोटा करवाएंगी, बल्कि स्पा करवा कर अपने बालों में जान भी लाएंगी। जो ये हेयर है आपके, मैं इस लेंथ पे ही सबको कॉर्नर करूंगा, इस लेंथ पे वो छोटी है, नहीं कल से ना तो ऊपर आ जाएंगे।
अभी फिर मैं आपको हेयर वो करूँगा ना, तो ऑलमोस्ट इतने आ जाएंगे। मैं इस फॉर्म को, क्योंकि ऑलरेडी ये शॉर्ट है, इससे शॉर्ट जाऊंगा तो कुछ ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा। कल से तो फिर ऊपर आ जाएंगे। पर वो सीधा ही करना है, मतलब लेयर इसमें नहीं करना। नहीं नहीं, इसमें लेयर्स नहीं आएंगे, स्ट्रेट स्ट्रेट। तो मैं ये फॉलो करता हूँ, फिर बाद में हमारे पास ऑप्शन रहेगा कि और शॉर्ट करना तो कर सकते हैं। ठीक है, ओके, डन। तो चलिए शुरुआत करते हैं बालों के मेकओवर की, जहां बालों को काटने से पहले बालों को धोया गया है ताकि सभी बाल एक बराबर आ सके। मॉर्निंग उठना पड़ेगा, 4 बजे उठना पड़ेगा, 7 बजे लोकेशन पे पहुंचना पड़ेगा, जो रात में पता नहीं कितना देरी सोने को मिलेगा, दिन भर पूरा आई थिंक डे में ही होते होंगे मोस्टली टास्क तो वहाँ पे, और आउटडोर्स ही होते हैं तो पता नहीं क्या हालत होने वाली है, बट देखते हैं। इवनिंग में अगेन आई हैव टू गो देयर फॉर किक बॉक्सिंग, सो अभी मेरी तो पता नहीं हालत ही क्या बोलते हो, मट्टी पल्ले तो होने वाली। तो यस, आई एम गेटिंग रेडी फॉर एवरीथिंग। बालों को धोने के बाद शुरू हुई बालों को कट करने की प्रक्रिया। भाई सीरियल गुम है किसी के प्यार में आने से पहले ऐश्वर्या के बाल छोटे थे और वो अपने पुराने ही लुक्स को वापस पाना चाहती हैं, क्योंकि इन्हें अपना पुराना लुक बेहद पसंद है। मेरा जो है कट है, इस पहले वाला लुक है 2020, सो ये वाली ऐश्वर्या शर्मा फिर से आने वाली है। ऐश्वर्या फिर से आने वाली है। सो आई रियली होप कि ऐसे ही बाल लगे मेरे खूबसूरत से, प्यारे से है ही, वैसे तो क्यूटी क्यूटी हेयर मेरे छोटे छोटे कर्ल्स, सो यस होपिंग फॉर द बेस्ट। बहुत हेल्प करेगा यार, ज़्यादा मतलब तामझाम नहीं रहेगा बालों का, फर्स्ट ऑफ ऑल फटाफट आए हो जाएंगे, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लेती मैं वैसे भी हेयर मेकअप में, आधे घंटे में मैं रेडी हो जाती हूँ। वैसे भी आधे घंटे का टाइम दिया है हमको वहाँ पे कि आधे घंटे में सबको रेडी होके आना है, तो बस जल्दी हो जाएगा मेरे लिए। बाल शहीद हो गए, मेरे बाल शहीद हो गए बेचारे। मम्मी पे बाल गए मेरे, सेम सेम टेक्सचर, डेंस कर्ली थिक। ऐसा लग रहा सर हल्का हो गया।
मेरी सारी थकान निकल गई। इतनी क्यूट हेयर स्टाइल है यार, आई लव इट, आई लव इट। शॉर्ट्स हेयर, मेरे फैंस बहुत डिसअपॉइंट होने वाले हैं शायद। जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं, मेरे पहले वाला हेयर कट वापस आ गया है एंड आई लव इट। वो बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, शॉर्ट हेयर एंड कर्ली हेयर। कैसा, कितना कैसा लग रहा है यार, बाल ही नहीं बचे। कहाँ है मेरे बाल, कहाँ हैं? ओह सो मच ऑफ हेयर, ये मैं घर ले जाऊँगी, प्लीज़ मुझे दे देना। मेरे बाल नील को बहुत अच्छा लगेगा, मेरी मदर इन लॉ को भी बहुत अच्छा लगेगा, मेरी मम्मी को अच्छा नहीं लगेगा, पर शी डजंट लाइक माई शॉर्ट हेयर। वो मम्मी को बड़े बाल पसंद है। सो बाय बाय, लव इट। अब हम स्टार्ट करेंगे हेयर स्पा, स्पा करेंगे, स्पा करेंगे, स्पा करने के हेयर स्पा। आहा हा हा, आनंद ही आनंद, परम आनंद होने वाला आज तो। ठीक है, आज मजा आएगा, रिलैक्सेशन। चेहरा है या चांद खिला, हाँ जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आँखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या, ऐश्वर्या। शूटिंग के दौरान बालों में हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज करने की वजह से बाल बेजान हो जाते हैं। ऐसे में बालों में जान लाने के लिए और उन्हें चमकदार बनाने के लिए स्पा करवाना तो जरूरी है, और सॉफ्ट सॉफ्ट प्यारे प्यारे बाल किस लड़की को पसंद नहीं। इसीलिए तो आज ऐश्वर्या शर्मा स्पा करवाने का परम आनंद ले रही है, क्योंकि स्पा में हेड मसाज भी होता है जिससे सारी थकान हो जाती है दूर और आती है प्यारी प्यारी सी नींद। हो गया उद्धार मेरा, किक बॉक्सिंग करेंगे। यहाँ तो नींद आ रही है मुझे, मेरी आंखें छोटी छोटी हो गई यार। भाई वाकई इस हेड मसाज और बॉडी मसाज ने तो ऐश्वर्या शर्मा की आंखों में नींद ला दी, लेकिन ऐश्वर्या शर्मा भी कम नहीं। अपनी नींद को भगाने के लिए देखिए कैसे गुनगुनाते हुए अपने हेड मसाज का वक्त गुजार रही हैं। मालिश तेल मालिश। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, मस्त हाँ मस्त। बहुत अच्छी मसाज थी, मेरी आंखें देखो छोटी छोटी हो गई, मेरे को बहुत नींद आ रही है अब, इतनी अच्छी मसाज दे दी इन्होंने। गाना याद आ गया था, बोला था ना मैंने मालिश रेल मालिश।
सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे हाथ घुमाते काहे घबराए काहे घबराए। तो बड़ा मज़ा आया मुझे मसाज कराने में, अब देखते हैं पूरा स्पा होने के बाद कैसा लगता है। हेड मसाज के बाद बालों को दिया गया स्टीम, ताकि स्पा की क्रीम बालों के कण कण तक जा सके और बालों को चमका सके। इसी के साथ ही बालों को ड्रायर से सुखाया गया और की गई बालों की स्टाइलिंग, जिससे बदल गया ऐश्वर्या का रूप। भाई अपने इस मेकओवर से ऐश्वर्या तो बहुत खुश हुई और अपने पति को अपने लुक्स का दीदार कराने के लिए इन्होंने लगा दिया अपने पति नील भट्ट को वीडियो कॉल। तो फाइनली ऐश्वर्या का नया अवतार कैसा लगा? मेरा अवतार तो मैं बहुत खुश हूँ, मैंने फिर से अपने बाल कटवा लिए और मेरा हस्बैंड भी बहुत खुश है, उसको ये लुक चाहिए था तो वापस आ गए हम इस लुक में। सच में खाली खाली लग रहा है, थोड़ा वेट कम हो गया। बहुत बहुत रिलैक्स्ड, बहुत मज़ा आया यार स्पा वगैरह में तो। राज सच में क्या मसाज दिया आपने, मज़ा आया, अच्छा हेयरकट लगा मुझे। एंड थैंक यू सो 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 मच, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच नूपुर फॉर हैविंग ऐश्वर्या, ब्यूटीफुल ऐश्वर्या हियर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू शो। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, वी वांट यू टू विन। Yes, and all the best for your new beginning. Oh, thank you so much. Your new flower shop. Yes, thank you. Okay, thank you everybody, thank you Raj. मज़ा आया मुझे, बहुत मज़ा आया। बहुत मिस करने वाली हूँ मैं यार, ये कहाँ मिलेगा वहाँ पे, तो पूरा टाइम टास्क 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 ही होने वाला है। रिलैक्सेशन का टाइम नहीं, वो वेकेशन नहीं है, वो काम ही है हमारा एक तरह से, तो एन्जॉयमेंट तो अपनी जगह है बट देखते हैं क्या होता है, भगवान बचाए। फ्रेंड जैसा तो नहीं है, बनेंगे आगे नए नए फ्रेंड्स बनेंगे, नई फैमिलीज भी बनेंगी, तो मैं वेट कर रही हूँ कि कब हम सब लोग साथ में वापस से मिलें। एक दिन मिले थे बट वो सिर्फ काम के थ्रू मीटिंग हुई है, सभी लोगों को डूज एंड डोंट समझाए, सो उसके बाद इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई क्योंकि मैं सबसे लास्ट में लॉक हुई थी और मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग है अभी भी। ओह या आई एम वेरी 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 एक्साइटेड कि क्या क्या टास्क होंगे, सर किस तरह से करवाएंगे, और really I'm eagerly waiting to work with him. अपने नए लुक्स के साथ ऐश्वर्या ने अपने नए सफर की तैयारी कर ली है। सास बहू बेटियां तो यही कहेगा, ऑल द बेस्ट ऐश्वर्या, जीत कर ही आना। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।